सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। अब तक इस 400 डेज में हम लोगों ने बहुत सारे गोल्स और एडवांसमेंट को कम्प्लीट किया है, और ये आने वाले 100 डेज में हमारा गोल्स रहेगा ड्रैगन के घर को जंगल में कन्वर्ट करना है, अपने बेस को थोड़ा बड़ा करना है, और कुछ एनिमल्स लाना है जैसे कि पांडा और एक और बेकन बनाना है। सो आई एम गोना सर्वाइव अनदर 100 डेज इन जंगल ओनली बायोम हार्डकोर। सो डे 401 और हम अपने बेस पे घूमते हुए अपने बेकन को देखते हुए चलते हैं अपना पूरा गोल्स को कंप्लीट करने। तो सबसे पहले अपने ट्री हाउस पे चलते हैं, और भाई साहब यहाँ कितना एनिमल्स हो चुका है मेरा। तो गाइस फिर अपने एलाइट्रा में थोड़ा उड़ के अपने बेस को देखते हैं। तो अगेन बहुत दिन के बाद अपने बेस में आके थोड़ा अच्छा लगा ऑब्वियसली। और भाई चलते थोड़े से आयरन फार्म में, देख लेते क्या चल रहा है यहाँ पे। ओ भाई, और ये जो गोलेम है ना, ये बार बार ऊपर क्यों स्पॉन हो जाता पता ही नहीं चलता। तो भाई इसको अपने थोड़े ट्रिक से नीचे लाते हैं, ओके, और अपने एरो से थोड़े इसको मारते हैं। यार तू फ्री ट्रैप क्यों हो गया? ओ भाई साहब, यार डैमेज दिया है यार। कोई नहीं, एंड इट्स रिवेंज टाइम। और भाई वो एक ही एरो में मर गया हुआ। तो फिर अब चलते हैं अपने सोल सैंड पे काफी स्पीड ओ तेरी के। तो यार पूरा वाइंस वाइंस हो गया था यहाँ। ओ शिट गाइस, तो मुझे लगा ना कि मेरा जो विलेजर है ना वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। एक्चुअली जो अपने रिसोर्स पैक को चेंज किए ना भाई, तो ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया था भाई साहब, और मुझे लगा ये कहीं ज़ॉम्बी में तो कन्वर्ट नहीं हो गया ना। चलो नहीं हुआ। फिर हम लोग अपने आगे बर्ड हाउस में, क्योंकि बहुत दिन से अपने बर्ड्स को देखे नहीं थे, और यहाँ पे मेरा स्केलेटन है। तो ये स्केलेटन मुझे पिछले एपिसोड में मिला था, जिसको पता नहीं कैसे, तो आप जाकर देख सकते हो। और भाई बहुत दिन से हम अपने बर्ड हाउस पे नहीं आए थे, एक्चुअली जब से बनाया ना यार तब से हम यहाँ पे आए नहीं थे। तो गाइस ऐसा करना है ना, आज हम लोग अपने बर्ड्स को भी पूरा भर देना हो रूम से, तो काफी अच्छा लगेगा उसके बाद। और ये तीनों बर्ड अपने ही मौज में नाच रहे हैं। तो भाई इसको छोड़ते हैं और अपने थोड़ा ब्रूइंग स्टैंड में चलते हैं। तो यहाँ पे ब्लेज रोड कम है मेरे पास, अच्छा सॉरी मेरे पास यहाँ भाई होल स्टैक है। तो गाइस अब रात हो गई, अब चलते सोने, नहीं तो मॉब बहुत सारे स्पॉन नीचे हो जाएगा। तो या, और रात में भाई मेरा बेस कितना सही दिख रहा है। देन गाइस नेक्स्ट डे अपने सर्कल बॉक्स से जितना भी सामान हम उसको खाली कर दिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे ट्री को काटने वाले। एक्चुअली जितने बेस के अंदर है ना, सारा का सारा ट्री को काटेंगे हम लोग, और उसके बाद स्टोन ब्रिज का फ्लोर बनाने वाले हैं। तो जितना भी ट्रीज और डर्ट रहेगा उसको हम अपने सर्कल बॉक्स में डालने वाले हैं। तो गाइस चलो हम अपने ट्री हाउस को काटना स्टार्ट करते, वो भी एक टाइमलैप्स वीडियो पे। सो लेट्स गो। तो सारा ट्री काटना तो इम्पॉसिबल था भाई, इसीलिए कुछ ट्री को हम जला भी दिए, वो थोड़ा इजी था। फिर अपने चेस्ट को खाली कर दिए, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था उसको हम लोग हटा दिए, और फिर अपने सर्कल बॉक्स में कुछ डर्ट और कुछ लकड़ियां रख लिए। फिर थोड़ा फ्रूट्स ले लिए हम लोग, और जितना भी फिर गोल्ड एक्स्ट्रा था उसको हमने स्मेल्ट करने के लिए लगा दिए। फिर हम लोग अपने चल पड़े बगान में, और यहाँ जितना सारा व्हीट और कैरेट था सारा का सारा वो काट लिए। और गाइस एक मिस्टेक हो गया था, जो FOV होता ना उसको हम एक्सपर्ट में नहीं किए थे, वो मिडिल में था, इसलिए थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा था। और फिर चलते अपने पूरे के पूरे व्हीट और कैरेट को काटने, और फिर सारा का सारा सीड्स हम लोग अपने फार्म पे लगा दिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये फिर बढ़ेगा तो फिर काटने में इजी होएगा। ओ भाई, और गाइस आप अगेन देख सकते हो ये काउ और शिप भाई फिर बहुत सारा चढ़ चुका ऊपर। फिर भाई अपने आयरन फार्म में जाते हैं, और भाई अगेन आयरन गोलेम ऊपर स्पॉन हो चुका है, तो भाई इसका कुछ कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ बहुत सारा आयरन ऑलरेडी हो चुका है, तो सारे को हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे फटाक से, और फिर हम लोग उसको चेस्ट पे रहने देंगे। फिर नेक्स्ट अपने स्केलेटन हॉर्स पे थोड़ा सवारी कर लेंगे पूरे अपने बेस का, उसके बाद अपने विलेजर के पास जाएंगे। और यहाँ बहुत सारा एमराल्ड्स ऑलरेडी है मेरे पास, तो यार एमराल्ड्स का टेंशन है नहीं भाई। मेरा विलेजर बहुत दिन से भूखा था, तो ऐसा करते इसको सारा का सारा ब्रेड दे देते हैं, भाई जल्दी जल्दी खा लो और पेट अपने भर लो। फिर विलेजर ने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ हम लोग को छोटा सा विलेजर भी दे दिया है। फिर गाइस आयरन से हमने थोड़ा नगेट बना लिया, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत सारा लैंटर्न बनाना होगा,
क्योंकि भाई डेकोरेशन के लिए काम आएगा वो, कहां आप आगे वीडियो में देखना। फिर हमने बहुत सारे लैंटर्न बना चुके हैं। अब भाई मेरे पास रॉकेट या फायर क्रैकर ज्यादा है नहीं, तो हम लोग को ये बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए गन पाउडर, और फिर हम लोग चलते हैं अपने एक्सपी फार्म या मॉब फार्म में, जो भी बोल लो। और भाई अच्छा से लैंडिंग करते हुए हम लोग यहाँ पे आ चुके, और भाई एक भी मॉब नहीं। ओ भाई, तो भाई ये क्या हो गया? अच्छा एक अभी आया हुआ, थैंक यू। तो फिर ऐसा करते हम लोग यहाँ एफ के करेंगे, तभी शायद मॉब बहुत सारा आए। तो गिरते पड़ते हम लोग चल पड़े एकदम ऊपर। ओके यहाँ पे हम लोग एफ के करते हैं क्योंकि आई थिंक इससे ज्यादा मॉब आता है। तो यहाँ हम लोग पूरा का पूरा नाइट स्पेंड करना होगा, और रात हो चुका। और भाई यहाँ से मेरा बेस कितना सही दिख रहा है रात, आई मीन अच्छा से पूरा दिख नहीं रहा, बट फिर भी। तो गाइस अब हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ सोते हैं, ओके, और फिर सुबह उठेंगे तो शायद मे भी बहुत सारा मॉब आ जाए। जैसे हम लोग सुबह उठे रहे, बहुत सारा मॉब कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, तो ये ऐसे काम करता है ऑब्वियसली। और बहुत सारा मॉब को मारने के बाद हम लोग को बहुत सारा गन पाउडर मिला, मतलब मोर देन वन स्टैक। फिर हम लोग अपने बेस पे चल पड़े, और यहाँ पे अब हम लोग को पेपर चाहिए होगा, दैट्स व्हाई हम लोग चलते हैं सुगर केन को, बहुत सारा सुगर केन पे यहाँ काटना है। फिर सुगर केन से पेपर बनाएंगे, और फिर पेपर और गन पाउडर से रॉकेट बहुत सारा। तो भाई यहाँ 5-6 स्टैक ऑफ रॉकेट हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग ऑल सेट रेडी है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने ड्रैगन के घर। तो गाइस लिटरली भाई मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आई मीन एंड बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, भाई प्लीज कमेंट में बताना। तो हम लोग रेल पे बैठ के करिए, काफी इजी है भाई सच्ची में। ये जो मेरा डिसीजन था ना, ये काफी सही था, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड फाइनल करना बार बार बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो दूर रहता ऑब्वियसली। देन हम लोग पहुंच चुके अपने ड्रैगन के घर, और गाइस चलो हम लोग पहले ऊपर से देख लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग को बहुत काम पड़ने वाला है, आई मीन लिटरली बहुत दिन लगने वाला है। तो गाइस ये पूरा का पूरा बेस हम लोग को चेंज करना है, और इसमें काफी टाइम लगने वाला है, आई नो। फिर यहाँ पे अपने एक्सपी फार्म में आ चुके, क्योंकि मेरा आर्मर जो था ना वो थोड़ा डैमेज था, ओके। तो सारा का सारा आर्मर को फुल कर देंगे अपने। सो फाइनली पूरा का पूरा ऑब्सिडियन कट चुका है, और अब गाइस हम लोग ये पूरा का पूरा बेस को कन्वर्ट करने वाले अपने जंगल बायोम में, ओके। आई मीन पूरा जंगल तो नहीं रहेगा, बट फिर भी ठीक ठाक रहेगा। तो गाइस अगेन आपके पास आने वाला एक टाइम लैप्स का वीडियो पूरा अपने बेस को कन्वर्ट करते हुए। तो यार आधा काम तो हो चुका, अब मुझे ग्रास वाले डर्ट्स को लगाना है ताकि सारा का सारा बेस ग्रीन हो जाए, ओके। कुछ पेड़ लगाना, फ्लावर्स लगाना, तो इसके लिए मुझे जाना होगा अपने ओवर वर्ल्ड पे। तो फिर अगेन हमें कुछ क्रॉप्स और कैरेट को काट देंगे, और फिर उसको लगा भी देंगे। फिर हम लोग चलते हैं अपने एनिमल्स को ब्रीड करना, तो सारा का सारा एनिमल्स को हम लोग यहाँ ब्रीड कर लेंगे। तो यहाँ बहुत सारा एनिमल सच्ची में, तो मैंने पूरा का पूरा स्टैक देख सकते हो, खत्म हो चुका था वीट का, और फिर शाम भी हो चुका। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले तो जितना भी एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट उसको हटा लेते हैं, और फिर अपने डायमंड स्वॉर्ड में अपने एफिशिएंसी 5 सिल टच और अनब्रेकिंग का एन्चेंटमेंट लगा देते हैं। और गाइस फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग को बहुत सारा डर्ट चाहिए होएगा, तो यहाँ हम जितना हो सके उतना डर्ट ले लेते हैं ग्रास वाला। तो यहाँ पे सिल्टच वाला डायमंड शवल से जितना हो सके उतना ग्रास को ले लेते हैं। और गाइस की काफी फास्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि भाई एफिशिएंसी 5 है इसीलिए आई थिंक। और मेरे पास बहुत सारा कलेक्ट हो चुका है, तो अगेन अब हम चलने वाले अपने कोई ड्रैगन वाले घर पे, और यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रास हम लगा देने वाले हैं। फिर कुछ फेंसेस बना लेंगे, फिर हम चलते हैं लैंटर्न और फेंस से पूरा का पूरा अपने बेस को डेकोरेट करना।
चल पड़े कुछ फ्लावर्स लेने, क्योंकि भाई फ्लावर्स लगाएंगे तभी तो डेकोरेशन कंप्लीट होएगा। तो जितना भी येलो फ्लावर या रेड फ्लावर जो भी हो, हम सारा का सारा यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। फिर कुछ वाटर मेलन भी ले लेंगे। तो भाई जब सारा फ्लावर कलेक्ट कर ली, तब पता चला दैट आयरन फार्म में तो भाई बहुत सारा पॉपी रेड वाला फ्लावर था। तो भाई कोई नहीं, चलो हम लोग ऑलरेडी यहाँ कलेक्ट कर चुके हैं और रात भी हो चुका है। फिर गाइस नेक्स्ट डे कुछ बॉनमिल हम लोग ले चुके हैं, क्योंकि ट्री को जल्दी जल्दी ग्रो करने में हेल्प होगा। तो गाइस अब हम लोग चलते पूरे के पूरे अपने बेस को ग्रीन, बोले तो ग्रीन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने। ट्रस्ट मी गाइस, ये काफी रेयर है, आई मीन ट्री ग्रो करने में। भाई यहाँ 20 भी है मेरे पास। तो फिर गाइस यहाँ पे कुछ हम पॉन्ड टाइप का कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे फिश विश रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम कुछ क्रॉप्स को भी ग्रो कर देंगे और इसको डेकोरेशन के लिए कुछ वुड्स एंड ऑल लगा देंगे। फिर अपने बेस में थोड़ा डिटेल्स डालने के लिए कुछ बॉनमिल से हम लोग ग्रास व्रास भी ग्रो कर लेंगे, इससे थोड़ा डिटेलिंग आएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो चुका है अपना बेस, इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके पूरे के पूरे जंगल, आई मीन जंगल तो दिख नहीं रहा बट फिर भी कुछ हद तक उसी टाइप से। फिर हम लोग चलते अपने ओवरवर्ल्ड। अब हम लोग को बहुत सारा कोबलस्टोन लगने वाला है, तो जितना हो सके उतना हम लोग कोबलस्टोन यहाँ से माइन कर लेंगे। फिर गाइस आफ्टर दैट अब हम लोग चल पड़े माइनिंग करना, वो भी रियल वाला माइनिंग, क्योंकि हम लोग को कोल का बहुत ही जरूरत है। तो जितना हो सके तुम लोग यहाँ से कोल ले लेंगे। और भाई साहब यहाँ डायमंड हम लोग को मिल चुका है। ओके तो भाई फ्री फोकट का डायमंड मिलेगा तो यार किसको नहीं चाहिए होएगा। अब ये कुछ और माइनिंग करते करते हम लोग को बहुत सारा अगेन बहुत सारा कोल मिल चुका था। फिर हम लोग अपने बेस पे रिटर्न हो चुके और यहाँ पे काफी सारा कोल हम लोग माइन कर चुके, और इसको हम लोग फर्नेस में डाल के जितना भी स्टोन होता है ना सारा को सारा फर्नेस में डाल देते हैं। देन गाइस अगेन अब हम लोग चलेंगे नेदर वर्ल्ड पे, क्योंकि अब हम लोग को चाहिए होगा वेदर हेड। भाई इसको क्या बोलते हैं नाम नहीं पता, पीक करके कुछ होगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। और भाई साहब ये काफी डैमेज दे दिया था, पहले तो उसको मारेंगे। ओके या रिवेंज कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे नेदर फोर्ट्रेस अगेन खोजने, क्योंकि हम लोग को चाहिए होगा नेदर हेड। तो भाई मेरे पास एलाइट्रा, तो भाई आराम से उड़ते उड़ते जाएंगे। ओके और गाइस कुछ हम लोग को दिखा है यहाँ पे, एक्चुअली बहुत सारा बॉनमिल है, ब्लॉक ऑफ बॉनमिल, तो उसको ले लेंगे, हम लोग को काम पड़ने वाला आगे मे बी। फिर बहुत सारा बॉनमिल को लेने के बाद हम लोग चल पड़े अपने नेदर फोर्ट्रेस, और यहाँ पे ब्लेज का अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वाओ फिर हम लोग लैंडिंग करते हुए एक नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाते हैं। बस ऑलरेडी ब्लेज रोड बहुत सारा, बट फिर भी फिर ब्लेज को मारने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे वेदर हेड खोजने में। ओके तो काफी सारा वेदर को मारने के बाद फाइनली हम लोग को 7 वेदर हेड मिला। फिर हम अपने फर्नेस पे आ चुके और जितना हो सके उतना हम लोग स्टोन को अगेन स्मेल्ट करने के लिए चढ़ा देंगे। और गाइस जितना भी एक्स्ट्रा ट्री बच गया था उसको हम लोग पूरा फायर आग लगा देंगे। ओके क्योंकि भाई काटना बहुत लेट होता, बहुत लेंथी प्रोसेस है। नाउ गाइस मेरा बेस पूरा का पूरा ट्री फ्री हो चुका है, मतलब एक्स्ट्रा ट्री नहीं है। उसके बाद पूरे के पूरे बेस के फ्लोर को हम लोग स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर गाइस अब हम लोग चलते हैं माइनिंग करना, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा रिसोर्सेस यहाँ चाहिए होगा, स्पेशली हम लोग को आयरन चाहिए होगा और गोल्ड, क्योंकि हम लोग को एक और बेकन बनाना होगा, वो भी फुली साइज बेकन, तो इसके लिए काफी सारा आयरन लगने वाला है। दैट्स व्हाई हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं, वो भी स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग करते करते हम लोग को बहुत सारा रिसोर्सेज यहाँ मिल चुका है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल चुका था। तो सारा का सारा आयरन और गोल्ड को हमने स्मेल्ट में चढ़ा दिए। फिर अपने फर्नेस में आके और भी कोबल स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए चढ़ा दिए। देन अब हम लोग को पोशन चाहिए होगा, तो गाइस यहाँ ऑलरेडी पोशन है, तो जितना भी नेसेसरी पोशन है जैसे स्ट्रेंथ का हो गया, स्पीड हो गया और इंस्टेंट पोशन हो गया, उसको हम लोग ले लेते हैं। और गाइस अब हम लोग लेने के बाद चलते हैं अपना मेन काम करना, और गाइस वो है वेदर बॉस को मारना, क्योंकि हम लोग को एक और बेकन बनाना होगा, दैट्स व्हाई एक स्टार चाहिए होगा। तो सबसे पहले अपने बेस का एकदम दूर, मतलब बहुत दूर हम लोग चाहते। ओके फिर हम लोग एक परफेक्ट स्पॉट मिल चुका था, यहाँ पे एक केव भी था, पहले तो बहुत अंदर तक माइनिंग करते। ओके और यहाँ पे वेदर बॉस को हम लोग स्पॉन करने वाले हैं। और भाई सोल सन में चढ़ने के बाद ये थोड़ा व्यू थोड़ा चेंज क्यों हो जाता है, पहले पोशन ले लेते हैं हम, जितना भी नेसेसरी पोशन होता है। तो सारा पोशन को लेने के बाद गाइस इट्स टाइम टू यो भाई, तो गाइस अगेन यहाँ नेदर स्पॉन हो चुका है। ओ भाई
लेकिन हम लोग और वेदर बॉस को मार चुके हैं और भाई मेरा इफेक्ट कम्प्लीट हो ही नहीं रहा, तो फटाक से दूध पी लेते पहले तो। फिर अगेन अपने फर्नेस पे जाके कुछ आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट करने के लिए चढ़ा दिए है। और फिर गाइस अब हम लोग रेडी है, मेरे पास बहुत सारे स्टोन ऑलरेडी बन चुका है, तो जितना हो सके उतना स्टोन को ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ब्रिक्स में, स्टोन ब्रिक्स में ऑब्वियसली। एंड गाइस दिस इज टाइम, स्टार्ट करते हैं अपने पूरे के पूरे बेस को कन्वर्ट करने में, और वो भी एक टाइम लैप्स पे। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और चलो आपको दिखा देते अपने बेस का लुक। तो ये पहले से तो काफी अच्छा लग रहा है, आई मीन कन्वर्ट हो चुका है पूरा। आप देख रहे हो जो ब्लेंडिंग दिख रहा है, मतलब बाजू ही में पूरा जंगल है एंड जस्ट उसके नेक्स्ट में पूरा पूरा स्टोन ब्रिक, तो ये काफी सही लगा कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग अगेन स्मेल्ट करने के लिए चढ़ा देते अपने जो भी आयरन या गोल्ड को, क्योंकि दोनों का काम पड़ने वाला है। और भाई साहब मेरे पास डायमंड तो देख लो यार, एक 31 ब्लॉक और यहाँ पे है। ऐसा करते हैं ना, सारा को एक जगह रखते तो थोड़ा अच्छा लगे। ओके चलो, शो ऑफ करने में अपना मजा आता है। तो भाई 1 stack प्लस और एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, तो टोटली मेरे पास यहाँ हो चुका 3-4 stack। तो ठीक है, तो गाइस लास्ट हम लोग का काम बच गया है क्या, आई मीन नॉट लास्ट बट अब हम लोग का काम बच गया पांडा को लाना। तो पांडा को लाना उतना डिफिकल्ट होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जंगल है, और पांडा कहाँ पे स्पॉन होता है, जंगल में। या तो बहुत ही इजी हो जाएगा, और भाई मेरे पास पंख भी है, तो उड़ते उड़ते अपने पांडा को खोज लेंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे एक जंगल टेंपल दिखा, तो भाई फटाक से उसको लूट लेते हैं, यहाँ कुछ मॉब्स था। उसके बाद कुछ बर्ड्स को टेम कर ले, क्योंकि हम लोग बर्ड स्टार्टिंग में बोले थे दैट हमको बर्ड हाउस को थोड़ा एक्सपेंड करना होगा, आई मीन बर्ड्स को लाना होगा। तो जितना हो सके उतना बर्ड्स को हम यहाँ टेम कर लेंगे, वो यार टेम तो हो जाओ। उसके बाद थोड़ी देर आगे जाने के बाद अगेन गाइस एक और जंगल टेंपल, और यहाँ पे एक अनोखा चीज मुझे दिखा भाई। लिटरली इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड पे पहली बार मुझे 4 layer का सुगर केन दिखा, आई मीन अच्छा एक बार गिन लेते हैं, अच्छा हाँ ये 4 है, तो भाई हम ये देखे नहीं थे। फिर ये जंगल टेम्पल से कुछ लूट कर लेते हैं ऑब्वियसली, और फिर चल पड़े। तो यार मेरे पास पम्पकिन था ना, तो थोड़ा सा पम्पकिन ले लेते हैं, एंड देन अगेन हम लोग चल पड़े पांडा के खोज में। और गाइस फाइनली वी फाउंड इट। तो भाई हम लोग को पांडा मिल चुका है, और गाइस सच्ची में यहाँ उतना बैम्बू भी नहीं था, बट फिर भी ये स्पॉन हुआ था जो भी। तो भाई 2 cute बड़े से पांडा हम लोग को मिल चुका है। ओ भाई साहब
और यहाँ पे क्रीपर आ गया था। तो यार मुझे मार दो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे पांडा को कुछ होना ही चाहिए। फिर सारे मॉब्स को मारने के बाद हम लोग अपने पांडा को बेस पे ले जाना है, और भाई ये थोड़ा टफ काम है कि हम लोग बहुत दूर आ चुके, मतलब उतना दूर नहीं बट फिर भी दूर आ चुके हैं, और भाई पांडा सो क्यों रहा है, और ये पांडा तो मजे से भाई बैम्बू खा रहा है। फिर दोनों पांडा को टेम करने के बाद अब हम लोग चलते हैं बोट पे, इसको बैठाते हैं और हम लोग चल पड़े हैं अपने सफर पे। तो गाइज सच में पूरा बोट यार पांडा से भर गया। और यार ये कितना सही दिख रहा, मतलब पांडा भाई। तो यार एक एक करके हम लोग को ले जाना होगा, तो भाई ये थोड़ा 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 दिक्कत होने वाला है, बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे ये कंप्लीट चैलेंज। और गाइस बहुत मुश्किल के बाद फाइनली हम अपने बेस पे पहुंच चुके अपने पांडा के साथ, वो भी दोनों पांडा के साथ। फिर अभी पांडा का हम लोग घर नहीं बनाएंगे, मे बी नेक्स्ट सीजन में बना सके, आई डोंट नो, बट यहाँ पे हम पांडा के लिए थोड़ा बैम्बू यहाँ ग्रो कर ले ताकि उसको अपने घर जैसे यहाँ फील हो। ओके और फिर दोनों पांडा को टेम करने के बाद एक हम लोग को छोटा सा बच्चा पांडा मिल चुका। ओ भाई तो गाइस वो पिछले पांडा को देखो ना यार, वो राउंड एंड राउंड कर रहा, मतलब पूरे डिटून रियल पांडा की तरह। तो गाइस ये हो गया हम लोग का चैलेंज कंप्लीट। एंड गाइस हम लोग को फिर याद आया कि मेरा बर्ड्स मेरे पास आया ही नहीं है, एंड या नहीं है बर्ड्स, तो चलो अगेन फिर चलते जंगल हम लोग बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स को टेम करने। थोड़ी देर बाद हम लोग को बहुत सारा बर्ड्स मिला, मतलब हर टाइप के कलर का। फिर गाइस अपने बेस पे आ चुके हैं, और भाई मेरा बर्ड्स आ तो रहा है ना, ये आया बर्ड्स आ रहा है। अब सारे को हम लोग बर्ड हाउस के अंदर रखने वाले, तो ये चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। वाओ ये पहली बार में बैठ गया, तो सारे के सारे बर्ड्स को हम लोग एक्चुअली ऊपर बैठाना। ओके एंड फाइनली हमारा सारा का सारा बर्ड्स यहाँ बैठ चुका है अरेंज फॉर्म में। ओके और ये काफी सही लग रहा है, और गाइस एक गाना तो बनता है, आई मीन एक नाच डांस, और ये अपने ही दूर में भाई लोग सारा का सारा पैरट डांस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे इट्स टाइम टू मेक बेकन, तो हम एक बेकन बना चुके हैं, और जितना हो सके उतना हम लोग आयरन को ले चुके हैं और उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके अब गाइस हम लोग को बनाना है यहाँ बेकन, तो पहले तो आयरन फार्म में जाके और भी आयरन हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे जो मेरे पास पहले से था, और या थोड़ा सा सैंड ले लेंगे क्योंकि हम लोग को आगे सैंड का काम पड़ने वाला है, तो बार बार आना जाना। पहले तीनों का तीनों बेकन को तोड़ना होगा। ओके क्योंकि हम लोग सेंटर से बेकन हटा के रिप्लेस करके हम लोग चारों साइड लगाने वाले हैं, तो हम लोग पहले तीनों बेकन को ब्रेक कर लेते। ओके तो गाइस हम लोग का तीनों बेकन ब्रेक हो चुका है, अब हम लोग को लगाना होगा टोटल चार। तो यहाँ पे एक हम प्लेस साइन किए हुए। ओके हम लोग यहाँ पे लगाएंगे चार ब्लॉक यहाँ, चार ब्लॉक वहाँ, आई मीन हम लोग को मैक्स करना। ओके पहले 9 नीचे रहेगा, फिर 7, फिर 5, फिर 3, तो हम लोग फटाक से चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस फाइनली हमारे चार बैकन बन चुका है, आई मीन उसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ बैकन डालेंगे लाइक दिस, फिर हम लोग बैकन डाल के यहाँ पे एक कलरफुल ग्लास डाल देंगे, तो इससे क्या होगा ना थोड़ा कलरफुल बैकन बन जाएगा। तो चलो कलरफुल एक तो हो चुका, हम लोग ऐसा करते करते तीनों का तीनों बैकन को करना होगा कुछ जल्दी जल्दी। ये हमारा सेकंड बैकन आ चुका, और यहाँ लोग सोच रहे रेड कलर का डालने वाले। ओके तो ये हमारा रेड हो चुका है, देन हमारा थर्ड बैकन हम लोग करने वाले ऑब्वियसली येलो, तो अगेन हम लोग अपने थर्ड बैकन में येलो कलर का डालने वाले ग्लास लाइक दिस। चलो यार डल जाओ या। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इसमें डालने वाले फिर से रेड या मैरून जो भी बोल सकते हो। तो गाइस मेरे पास दो ही कलर था, दैट्स व्हाई दो कलर ठीक है। तो गाइस अब हमारा ये बेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब चार न्यू बेकन वो भी चारों साइड, तो ये काफी कूल दिख रहा है, वो भी कलरफुल वाला। तो गाइस हम लोग ऐसे ही करेंगे ना, अब जितना भी न्यू सीरीज बनेगा ना उसमें एक एक बेकन एक्स्ट्रा डालते रहेंगे ताकि हम लोग का पूरा छह का छह बेकन यहाँ लग जाए। तो अब मेरा बेस थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब एक काम और मेरा बच चुका है, लास्ट वाला काम, उससे पहले भाई थोड़ा सा मॉब्स को मार रहे थे, भाई इतना धूप में भी मॉब्स क्यों आ रहा है। अच्छा उसके पास हेलमेट है, दैट्स व्हाई वो मर नहीं पा रहा है, बट नो वरी
फिर एरो के सामने कोई मॉब्स जिंदा नहीं बचता है तो इसको फटाक से मार देते हैं। तो गाइस अब फाइनल में चलते हैं, ये जो फॉल है ना वाटरफॉल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे, कूल लगे। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर देंगे और नीचे सारा का सारा स्टोन ब्रिज को हटा के यहाँ पे अपने सैंड लगाने वाले हैं। हम लोग सारा का सारा पानी अंदर जाने देंगे। ओके, तो ये हमारा छोटा सा वाटरफॉल बन चुका है और फिर हमारा पांडा यहाँ बहुत आराम से बैठ के मजे ले रहा है बैम्बू का। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा पंपकिन भी हो चुका है, तो सारा का सारा पंपकिन को हम पहले ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ चाहिए होगा बहुत सारा आयरन गोलेम बनाना है भाई अपने निचले बेस को मॉब से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग सारे पंपकिन को शेयर के हेल्प से ये बना देंगे। ओके, शेयर कर देंगे जो भी, और फिर बहुत सारा आयरन गोलेम को यहाँ कन्वर्ट करना होगा। और गाइस इसी के साथ हमारे सारा गोल्स आज का अचीवमेंट कम्प्लीट हो चुका है। और गाइस ये मेरे ड्रैगन वाले घर पे तो भाई ग्रास बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आई मीन लगता है मुझे यहाँ रहना होगा तभी जाके ग्रास बढ़ेगा, आई मीन ग्रास ब्लॉक जो भी। और गाइस इसी के साथ हमारा 500 डेज भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस लाइक 500 डेज भाई, तो भाई 500 डेज इन जंगल वाली बायोम थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है। मतलब 500 दिन हमने यहाँ स्पेंड कर चुका है, बहुत सारा चीज बिल्ड किए हैं, हमारा बहुत सारा गोल्स भी कंप्लीट हो चुका है इसमें, तो ये काफी कूल है। अब मे भी हमको नहीं पता 1000 डे तक जाएगा या नहीं जाएगा। एक्चुअली बार बार यूट्यूब की वीडियो से यार डीमोटिवेट हो जाते थे, बट भाई तुम लोगों का जो कमेंट है ना ब्रो, भाई सच्ची में कमेंट के चलते भाई एक होता ना अंदर से एक मोटिवेशन टाइप से निकलता है। ओके, और सच्ची में वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। कीप सपोर्टिंग, कमेंट करते रहो भाई अच्छे अच्छे कमेंट, सच्ची में बहुत मज़ा आता है, सारा कमेंट पढ़ते हैं। एंड यार जल्दी से 10K करा दो यार, सोच रहे कुछ एक्साइटिंग करेंगे। ओके, कुछ नया सोच रहे करने का 10K पे, 10K होता है तब ऑब्वियसली। तो यार वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता भाई, तो फटाक से कर दो। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो। और गाइस इसी के साथ बोलते हैं अलविदा, टाटा, बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।